आज की वीडियो में हम बात होने वाली है दोस्तों, पेटीएम का अकाउंट कैसे बना सकते हो और क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो और पैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी अदर अकाउंट पे। और दोस्तों, इसमें बिल कोई सा भी बिल हो, पानी का बिल हो या बिजली का बिल हो या फिर गैस सिलेंडर वाला बिल हो, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आए। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल टेक स्टार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कैसे बना सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे तभी आप बना पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्ले स्टोर खोल करके और यहाँ पे पेटीएम ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। वो इंस्टॉल करने के बाद में तो दोस्तों ये एक नया पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में लगा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेस और सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन हो जाते हो अपना पेटीएम अकाउंट में। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको वीडियो केवाईसी करनी होती है। दोस्तों, वीडियो केवाईसी के लिए जो लिमिट होती है 10,000 से ऊपर की। तो दोस्तों, 10,000 से ऊपर जब ही निकाल सकते, जब आपकी केवाईसी इसमें हो रखी होगी। तो दोस्तों, केवाईसी के लिए मैंने स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद में तो दोस्तों एक नया पेज खुलेगा दोस्तों अपने प्रोफाइल में जाके। तो यहाँ पे हम होम पेज पे आ चुके हैं अपने। तो होम पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे चले जाना है, जिसका नाम है UPI पेटीएम सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक नया पेज खुला है और यहाँ पे लिखा है रिएक्टिव UPI अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे उस अकाउंट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा जो अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही बैंक अकाउंट पे ऐड पे बटन क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको एक नया पेज खुल जाएगा जिस बैंक में, मतलब बहुत सारे बैंक आपको नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे किसी एक बैंक को जो आपका बैंक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का एक ऑप्शन आपको पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। तो दोस्तों अब जहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया है उस ऐड पे दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे अपना सेट UPI पिन के द्वारा यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट UPI पिन पे। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ से अपना डेबिट कार्ड और यहाँ पे डेबिट कार्ड और आधार कार्ड का एक पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड पे क्लिक करके और प्रोसेड पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। तो दोस्तों अपना यहाँ पे ATM की डिटेल डाल देनी है, क्योंकि ATM का जो लास्ट के 6 अंक हैं वो भी डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों प्रोसेड पे क्लिक कर देना है। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे UPI पिन सेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे UPI सेट करके और यहाँ पे पेटीएम को अकाउंट तो चला। दोस्तों समझ में आ चुका होगा कैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लिंक है, ऐप की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से हम ट्रिक लाते रहते हैं, नई ट्रिक, नई कोई भी ट्रिक हो तो दोस्तों लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों